हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ भरवा मिर्ची के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाहर से काफ़ी क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और यकीन माने काफ़ी टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। भरवा मिर्ची पकौड़े बनाने के लिए मैंने ली है ये मोटी वाली मिर्ची। सभी मिर्ची को मैंने अच्छे से धो लिया और धोने के बाद अच्छे से सुखा लिया है। और अब हम करेंगे इसे कट। मिर्ची में इस तरह से एक चीरा लगाए, मैंने इसे आर पार बिल्कुल भी कट नहीं किया है। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से एक चीरा लगाया। इसमें चीरा लगाने के बाद जो इसमें बीज होते हैं उसे अच्छे से निकाल दें। और ये देखिए, इस तरह से सभी मिर्ची को कट करें और जो इसके बीज होते हैं ना उसे अच्छे से निकाल दें। और ये लीजिए, सभी मिर्ची के बीज को मैंने इस तरह से निकाल दिया है। मिर्ची के बीज निकालने के बाद अब हम इसकी स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए लेंगे एक बॉल। और अब मैं ले रही हूँ इसमें 6 से 7 उबले हुए आलू। आलू को अच्छे से कर ले मैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 बारीक चौपकी हुई हरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, और थोड़ा सा लिया मैंने साबुत धनिया। और इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करें। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। सभी मसाले डालने के बाद अच्छे से करेंगे इसे एक बार मिक्स। और ये लीजिए, सभी मसालों को कर लिया अच्छे से मिक्स। स्टफिंग बनके हो गई है तैयार। और अब हम लेंगे हरी मिर्ची, इसमें करेंगे आलू के मसाले की स्टफिंग। इस तरह से चम्मच की हेल्प से आलू के मसाले को अच्छे से इसमें भर दूंगी। तो इसी तरह से जो बाकी की हरी मिर्ची उसमें भी मसाले को अच्छे से भर ले। और ये लीजिए, इसी तरह से सारी हरी मिर्ची की स्टफिंग करके कर लेंगे तैयार। अब हम बनाएंगे बेसन वाला घोल। तो इसके लिए लेंगे एक बॉल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप बेसन। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। और अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। एक बार में पानी बिल्कुल न डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और अच्छे से करें इसे मिक्स। हमें इसका पतला घोल बिल्कुल नहीं बनाना है, गाढ़ा घोल बना के करना है तैयार। और ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का घोल बन के होना चाहिए तैयार। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा। अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। और ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का गाढ़ा घोल बन के होना चाहिए तैयार। और अब हम लेंगे मिर्ची जो हमने स्टफ करके पहले रखी हुई है, और बेसन के घोल में अच्छे से करेंगे इसे कोट। और अब हम करेंगे इसे फ्राई। और फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही कर लिया था गरम। और गरम होने के बाद अब हम इसमें मिर्ची को ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे करेंगे अच्छे से फ्राई जब तक इसका गोल्डन क्रिस्पी कलर ना आ जाए। इस तरह से इसे उलटते पुलटते रहे ताकि अच्छे से ये हो जाए फ्राई। और ये लीजिए, बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें कलर आया है। और ये लीजिए, हमारे भरवा मिर्ची पकौड़े बनके हो गए तैयार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट भरवा मिर्ची पकौड़े बनके हुए तैयार। ये देखिए, बाहर से काफ़ी क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और यकीन मानिए खाने में काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।